परिणाम आए हैं, काफी सुखद है, यूपी के लिए कैसे देखते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, ये बहुत ही अच्छा परिणाम है स्टूडेंट्स का। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जेएनयू के, एक ऐतिहासिक जीत है। कल हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चारों सीटों पर जीते, इस बार 14 साल बाद जेएनयू के अंदर हम सेंटर पैनल में ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट जीते हैं। सौरभ कुमार शर्मा जो विद्यार्थी परिषद के लंबे समय कार्यकर्ता, वो जीते हैं। ये जो जीत है वो राष्ट्रवादी विचारों की जीत है, और जो देश विरोधी ताकतें थी उनकी ये हार है। जो जिस तरीके से पूरे साल उन्होंने संघर्ष किया है एबीपी के कार्यकर्ताओं ने, और दूसरी बात है कि जिस तरीके से जो वहाँ पर आईसा हो या अन्य संगठन हो, चाहे एसएफआई हो, जिस तरीके स्टूडेंट्स का एक भी मुद्दे को लेकर काम ना करना और साथ साथ बड़ी बड़ी बातें करना, और जो गरीब विद्यार्थी है उनकी कोशिश यह है कि वो गरीब जो है गरीब ही रहे, और जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करना और एक भी मुद्दे को लेकर काम ना करना, ये उनका हमेशा से काम रहा है। मैं सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से देश विरोधी जो कहते थे, नक्सलवाद माओवाद की जो बातें करते थे, आज उनके मुंह पे एक तमाचा है, और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने लंबे संघर्ष के बाद वहां पर जीत हासिल की है। मुझे लगता है कि जो देश के जो अभी जो सरकार का भी एक परिवर्तन हुआ है, उसका भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे लगता है ये मैं धन्यवाद करूंगा दोबारा छात्रों का। काउंसलर्स की सीट भी जीती हैं, काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है इस परिणाम को। कल दूसरों के जो परिणाम आए थे वो भी काफी सुखद थे, कैसे? देखिए, 11 काउंसलर एवीपी वहां पर जीती है, और डूसू के परिणाम के साथ साथ, क्योंकि डूसू के अंदर भी जो वामपंथ के जो एक गढ़ था, डूसू कोशिश कर रहे थे डूसू के अंदर भी, तो वहां पर भी उनको मुंह की खानी पड़ी, और जो वामपंथ का गढ़ था वहां पर भी हमने सेंधमारी की है। और मुझे लगता है कि विश्वास उठता जा रहा है स्टूडेंट्स का, चाहे वो आईसा हो चाहे एसएफआई हो, और विद्यार्थी परिषद जो राष्ट्रवादी विचार है उनकी तरफ स्टूडेंट्स आ रहा है। स्टूडेंट्स को पता है कि देश के हित में किसका कौन काम कर रहा है, और देश के विरुद्ध, और जो गरीब विद्यार्थी है उसको सिर्फ गरीब रखने का काम जो वामपंथी नक्सलवादी विचार के लोग हैं, स्टूडेंट्स को सिर्फ उसी रूप में रखना चाहते हैं।